ठीक है, मैं ऐसे ही रह लूंगा। वैभव, हम सब ने आपको समझाने की बहुत कोशिश की, पर आपने किसी की बात नहीं मानी। और आज तो हद हो गई देवर जी। आपने अपने पिता समान भाई का इतना अपमान किया, वो भी पूरे समाज के सामने। हमने हमेशा आपको अपने बच्चे की तरह पाला, पर आज हमारे बीच के सारे रिश्ते खत्म हो गए। मैं जानता हूं कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूं। परिस्थिति ऐसी निर्माण हो गई थी कि दोस्ती को मना नहीं कर पाया। कौन सी परिस्थिति? हम सब तो वही थे। ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि तुम्हें उससे दोस्ती करनी पड़ी और तुम्हारे बाबा उसके भी बाबा बन गए? क्या है ना, एक दूसरे जात का व्यक्ति मेरे साथ खड़ा हुआ और उसने ये नहीं कहा कि वो मेरी जात का बनेगा, अपनी जात का रहकर ही वो मेरा साथ देने वाला है। पता नहीं उस बेचारे ने अपनी जात के लोगों से क्या क्या सुन लिया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ आके हिम्मत दिखाई। और ये सब होकर भी मैं चुप खड़ा रहता तो बहुत ही निष्ठुर लगता, जैसे हमें लगते हैं बाकी के लोग। आवाज दे दे के थक जाते हैं हम, लेकिन फिर भी वो अपने दिल में और अपने घर में हमें जगह नहीं देते हैं। वाह भीम बाबू, वाह। तो अब किसी के पास इन सवालों का जवाब है? हमारे भीम बाबू से बेहतर तर कोई दे सकता है? बस यही सब करते करते चुप करवा देते आप सबको। और वो रमा कहाँ गई? कहाँ गई वो रमा? वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर कर गई थी कि ऐसा कुछ नहीं होने देगी। काम पर गई है, आती होगी। क्या हुआ दीदी, बताइए क्या हुआ? रमा, दरअसल वैभव देव जी को पता चल गया कि भीम ने ही उनको अस्पताल पहुंचाया था, तो यहाँ पर सबके सामने आके उन्होंने भीम को गले लगाया और उन्हें कुछ संकोच भी नहीं हुआ, और उन्होंने यहाँ पर आकर भीम के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और भीम ने भी उनकी दोस्ती स्वीकार ली। वैभव देव जी, मुझे आपकी दोस्ती मंजूर है। अब पूछो इससे ऐसा क्यों किया इसने? कहकर गई थी ना ऐसा कुछ नहीं होने दोगी, पूछो। क्या पूछू? कोई यूं गले लगा लेता है तो दिल भर ही जाता है। हमारी फूंक से मिट्टी अपवित्र ना हो सके, इसलिए गले में मटका बांध दिया जाता है। लगता है हम जीत गए और हार गई ये सामाजिक जातिगत व्यवस्था। लो, अब इसका अलग शुरू हो गया। कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। हाँ, मैंने पहले बोला था, लेकिन आज मेरे मालकिन ने मुझे गले लगाकर कहा कि मैं उनकी बेटी की तरह हूं। क्या? तो मैं समझ सकती हूँ कि जब वैभव जी ने इन्हें गले लगाया होगा तो उन्हें कैसा लगा होगा।
मैंने मालकिन ने मुझसे कहा कि मैं अपनी आधी जायदाद तेरे नाम कर देती हूँ। क्या? तो तूने आधी जायदाद हड़प ली? बाबा की बहू और भीमराव की पत्नी हूँ, ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है। रमा, ये तुमने सही किया बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। लो, फिर से शुरू हो गया। गर्व करने के सिवा कुछ आता है आपको? हाँ, कभी बेटे पर गर्व, कभी बहू पर गर्व, कभी बहन पर गर्व, कभी दोस्त पर गर्व, पर जब ऐसी मुसीबत आती है ना तो एकदम चुप हो जाते हैं आप, एकदम चुप। बेटे को समझा कर भेजा था ना आपने, समझाया था ना उसे कि ऐसा कुछ ना करे, सुनिए आपकी उसने? बाप से बड़ा हो गया है बेटा, अब तक सुनता था लेकिन अभी खुद के मन की करने लगा है। ये अभी नहीं सुनेगा आपकी, मैं बता दे रही हूँ आपको। भीम, भीम, अब तो बस फिर से भीम भीम की आवाज सुनते रहो सब। पता चला मुझे इस लाइट को लगवाने में बहुत संघर्ष किया था तुमने, और मेरे भाव के लोगों ने ही इसे फोड़ दिया था। आज मैं इसे लगवा रहा हूँ अपने दोस्त के लिए, अपने भाव के लोगों से हुई गलतियों को सुधारने के लिए। जलाओ दादा। आज अभी साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं, अपनी किताबें ले आ। क्या सोच रहा है अभी? जा। अरे जाओ भी, अब जब दोस्ती हो ही गई है तो फिर ज्यादा सोचो विचारो मत, जो होगा बढ़िया होगा, जाओ। आजा। लीजिए। अच्छा, ये लो वैभव। थैंक यू। थैंक यू रोमा। अरे इसे दूध, तुम चाय नहीं पीते? हाँ, ये चाय नहीं पीते। अरे इतने बड़े हो गए और अभी तक चाय नहीं पीते? नहीं पीता। रमा भाभी, बहुत अच्छी चाय है। थैंक यू। अब पढ़िए, मैं आती हूँ। सिस दे ही ले जाए, सिस दे ही ले जाए। तो फिर काका मैं भीम के साथ हूँ।
और भीम की लड़ाई मैं भी लड़ूंगा। चलता हूं भी, बाकी का कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। कल फिर आऊंगा, एक सप्ताह और हूं यहां पे, तब तक रोज आऊंगा। ठीक है, बाय। बाय वैभव, कुछ कहना था। बोलो। वैभव, मैं कभी नहीं भूलूंगा जब ये लाइट पहली बार यहां लगी थी तो मेरी पत्नी रमा ने पढ़ाई शुरू की थी, और जब ये लाइट फिर से यहां लगी तब मैंने पहली बार बंबई में किसी ऊंची जात के व्यक्ति के साथ पढ़ाई की। सिर्फ पढ़ाई नहीं की, ढेर सारी बातें की, एक साथ मिलकर हंसे, साथ मिलकर चाय और दूध भी पी। सब याद रखूंगा मैं। और हम भी याद रखेंगे भीमराव, कि तूने हमारे भाई को हमसे छीन लिया है। अपने दोस्त के कुछ काम तो आया। इस लाइट को लगवाने में बहुत संघर्ष किया था तुमने, और मेरे भाऊ के लोगों ने इसे फोड़ दिया था। आज मैं इसे लगवा रहा हूं अपने दोस्त के लिए। दोस्तों मेरे, एक बराबर एक जैसे। चलिए खाना लगा देती हूँ, खाना खा लीजिए। क्या सोच रहे? सोच रहा हूँ कि ध्रुव भी अभी बड़ा हो गया होगा ना। क्या करता होगा अभी? बताया, बड़ा अजीब था वो, अपने बाबा से लड़ जाता था। मार के देखिए, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाए ना तो मैं ये पत्थर सीधा आपके सर पे मारूंगा। बाद में एक झोपड़ी बनाकर बाहर रहने लगा था। मुझसे पहले ध्रुव आया था बम्बई, और फिर बाबा मुझे लेके आए। वैभव जी से आपको ध्रुव भाव की याद आ रही है क्या? ऐसा तो एक बार सातारा जाके मिल लीजिए उनसे। नहीं, अभी नहीं जाऊंगा। अंबेडकर गुरुजी के मुताबिक मैं जब कुछ बन जाऊंगा ना रमा, तब जाऊंगा सातारा। ध्रुव से भी मिलूंगा और तुम्हें भी सातारा दिखाऊंगा। जरूर ले जाना। लेकिन बेटा, ये बंबई है, यहां इतनी जगह नहीं होती। यहां ध्रुव जैसे लोगों के लिए अलग झोपड़ी बनाने के लिए जगह मिल जाए, और ना ही ध्रुव जैसे का जीवन बाकी उसकी जात के लोगों से अलग चल सके।
और ध्रुव जैसो का मतलब तुम समझ रहे हो ना? लेकिन बाबा आप भी गवाह है, इन्होंने तो कभी भी खुद से वैभव जी के दोस्ती के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। लेकिन दोस्ती तो हो गई ना, बाप हूं इसका। अरे बाप की तरह मुझे भी अच्छा लगेगा कि एक लंदन में पढ़ा लिखा इंसान भीम के विचारों से, उसकी पढ़ाई से प्रभावित है। लेकिन डर भी लग रहा है कि वैभव के जात के लोग उसके साथ कुछ करने बैठे। लेकिन बाबा सिर्फ इस डर के कारण दोस्ती तोड़ी तो नहीं जा सकती है ना? देखो बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम वैभव के दोस्त क्यों बने, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ये दोस्ती हमेशा बनाए रखना, दोस्ती की लाज रखना। क्या है ना बेटा, ये समाज, ये लोग तुम्हारी दोस्ती को कभी कबूल नहीं करेंगे, लेकिन तुम अपनी दोस्ती ऐसे निभाना कि ये लोग, ये समाज तुम्हारी दोस्ती की सार्थकता पर बात जरूर करें। कोशिश करूंगा बाबा। तुम लोग जाओ। हमारे भाइयों में एक तुम ही थे जिसे हमने अपने कांधे पर बैठाकर घुमाया है। हमारे पूरे खानदान में तुम ही थे जो पढ़ाई करने में बहुत तेज थे, इसलिए तुम्हें पढ़ने के लिए आगे लंदन भेजा। और हम सबसे कहते थे कि हमारे देव परिवार का नाम हमारा वैभव ही रोशन करेगा। मगर तुमने क्या किया, परिवार का नाम रोशन नहीं किया बल्कि उस छोटी जाति के मोहल्ले में लैंप लगाकर उनके मोहल्ले को रोशन करने लगा। हमारी कोई औलाद नहीं है, लेकिन हमने तुम्हें अपनी औलाद से कम भी नहीं समझा। और उसका सिला तुमने हमें क्या दिया, तुम उस छोटी जात वाले भीमराव के दोस्त बन गए। जी खाना तैयार है, अंदर आकर खाना खा लीजिए। तुमने खाना खाया है या नहीं इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मगर वैभव इस घर से अब तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। और हां, अपनी ममता में बहकर इसे खाना मत खिला देना, समझी? जी। ऐसा करना सही है ना? वहां प्रचंड देव भी होंगे, ऊंची जात का मोहल्ला है, बेवजह तमाशा होगा। तमाशा तो हमेशा ही होता रहता है रमा, लेकिन आज मैं वैभव देव जी को भूखा नहीं सोने दे सकता हूं। ये दोनों कहां जा रहे इतनी रात को हाथ में खाने की थाली लिए? हैं उधर वैभव देव का घर है ना? हाँ। भीमराव, अगर बात यही है
तो तमाशा यहीं से शुरू हो जाएगा।